नमस्कार स्टूडेंट मैं मिस ज्योति आपका स्वागत करती हूं जीके के बाई ज्योति मैम यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके फ्रेंड्स इससे पहले मैंने हरियाणा के सोलह डिस्ट्रिक्ट की वीडियो बना दी है और अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप प्ले में जाकर उन्हें ज़रूर देखिए आज हम फ़रीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक बातें और डिटेल से जानेंगे और फ्रेंड्स अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं तो चलिए आज हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानते हैं जो फ़रीदाबाद बना था वो फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन सेवेंटी नाइन को गुरुग्राम से अलग होकर बना था यह आपको ध्यान रखना है जो फरीदाबाद है वह फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन सेवेंटी नाइन को गुरुग्राम से अलग होकर बना था और जो फरीदाबाद के अदर नेम है वो है उद्योग नगरी एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर इसे कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किस ज़िले को कहा जाता है तो वह फरीदाबाद को कहा जाता है और इसको उद्योग नगरी भी कहा जाता है इसका क्षेत्रफल कितना है इसका क्षेत्रफल है सात सौ किलोमीटर स्केयर जो कि हरियाणा का हरियाणा में सबसे कम जिसका क्षेत्रफल है वो फरीदाबाद है ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पर मैगपाई नाम का एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे हरियाणा में टोटल फोर्टी फोर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हैं और इन सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं और ये सभी टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं जो फरीदाबाद की पॉपुलेशन है वो कितनी रही थी अठारह जीरो नौ सात सौ तैंतीस जो कि दो हज़ार ग्यारह के जनगणना के अनुसार रही थी यह सबसे ज्यादा रही थी देखो ध्यान रखना है जो एरिया है वो एरिया सबसे कम है और अगर आपसे पॉपुलेशन पूछ ली जाए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का कौन सा है तो वह हमारा फरीदाबाद है और लेकिन सबसे कम एरिया वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वह फरीदाबाद है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है अब यहाँ की तहसील कौन सी है क्या फरीदाबाद बड़खल और बल्लभगढ़ ये यहाँ की तहसील है ये आपको ध्यान रखना है और देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो। या वो कितना है दो हजार चार सौ बयालीस परसेंट किलोमीटर स्क्वायर ये यहाँ पर है फरीदाबाद का है दो हजार चार सौ बयालीस परसन पर किलोमीटर ये आपको ध्यान रखना है जहांगीर के कोषाधिकारी शेख फरीद के नाम पे 1607 में इसको बसाया गया था और देखो कोई भी नाम हो जिसके पीछे आबाद लिख रखा हो जैसे फरीद प्लस आबाद यानी कि इसको किसने आबाद किया है फरीदाबाद को आबाद किसने किया है वो किया है फरीद ने बाबा फरीद ने इसको आबाद किया और यह कौन थे जो जहांगीर थे उसके कोषाधिकारी थे शेख फरीद उनके नाम पर यह सोलह सौ सात ईस्वी में बसाया गया है ये आपको ध्यान रखना है और जो बल्लभगढ़ है और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर अभी बलरामगढ़ कर दिया गया है यह आपको ध्यान रखना है फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियों का विस्तार सबसे ज़्यादा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं उनका विस्तार सबसे ज़्यादा किस जिले में है तो वह फरीदाबाद ज़िले में है ये आपको ध्यान रखना है अरावली की पहाड़ियों में गोल्फ़ कोर्स मैदान है जो फरीदाबाद में अरावली की पहाड़ियां हैं वहाँ पर गोल्फ कोर्स के मैदान हैं ये आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है सूरदास जिनका जन्म हुआ था सी गांव में इनका संबंध फरीदाबाद से है जो ये सी गांव है या फरीदाबाद का गांव है और इनका संबंध है फरीदाबाद गांव से सूरदास जी और ये अकबर जी के समकालीन थे और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी ये आपको ध्यान रखना और चौदहवीं शताब्दी के साहित्यकार हैं इसरदास इनकी रचना है अंगद पेजा भरत विलाप सत्यावती कथा ये भी फरीदाबाद से हैं ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो सूरदास जी हैं उनका जो संबंध है सी ही गाँव से है और जो चौदह शताब्दी के साहित्यकार इस सरदास ये भी फरीदाबाद से हैं ये आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है बड़खल झील जो कि 1947 में बनी थी एवं मयूर झील दो झील निहारिका झील ये सभी झीलें फरीदाबाद में है ये आपको ध्यान रखना है फरीदाबाद में यमुना नदी पे अनंगपुर बांध है जो अनंगपुर बांध है वो कौन से जिले पे है तो वह है, है फरीदाबाद में और यह यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है ये आपको ध्यान रखना है जो रजनीगंधा है जिसको बोलते हैं ग्लेडियोलस ये सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होते हैं ये आपको ध्यान रखना है जो ग्लेडियोलस यानी कि रजनीगंधा का फूल है वह सबसे ज़्यादा फरीदाबाद में होता है और सबसे ज़्यादा बजरी फरीदाबाद में होती है सबसे ज़्यादा बजरी कहां पर होती है वह भी फरीदाबाद में होती है और जो रजनीगंधा का फ्लावर है वह भी फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा होता है ये दोनों आपको ध्यान रखना है आगे है राजा नाहर का किला फरीदाबाद में है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा नाहर सिंह का किला कहाँ पर है तो यह फरीदाबाद में है बल्लभगढ़ जिसको अभी वर्तमान में बलरामगढ़ कहा जाता है ये राजा नाहर सिंह स्टेडियम है यहाँ पर कौन सा है? स्टेडियम है राजा नाहर सिंह स्टेडियम बलरामगढ़ में है सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में फरवरी के महीने में लगता है और इसका निर्माण करवाया था अनंग पाल तोमर ने या कई बहुत सी जगह सूरज पाल भी लिखा आता है और अभी जो दस ग्यारह जनवरी को ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि सूरज कुंड में जो मेला लगता है उसका जो निर्माण किसने करवाया था वो किसने करवाया था वो करवाया था राजा सूरजपाल जी ने ये आपको ध्यान रखना है ख्वाजा की सराय फरीदाबाद में है और रीचा शर्मा जो कि गायक है और सोनू निगम जो कि गायक है ये फरीदाबाद से है और सोनू निगम चार से पाँच बार क्वेश्चन में पेपर में पूछे गए हैं ये आपको ध्यान रखना है इनका संबंध फरीदाबाद से है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है अजय रत्रा क्रिकेटर एवं गौरव सोलंकी ये बॉक्सर हैं 2018 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं फरीदाबाद से सांसद हैं एमपी हैं जो वो कृष्णलाल गुजर जी हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं क्योंकि ये भारत सरकार में जो कि केंद्रीय सरकार है उसमें ये मंत्री हैं और इनके पास एम डिपार्टमेंट है ये एम की फुल फॉर्म क्या है वो है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवा एनपावरमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है ये आपको ध्यान रखने हैं और बाबा फरीद का मकबरा फरीदाबाद में है क्योंकि इसको फरीदाबाद को बाबा फरीद ने ही आबाद किया है तो बाबा फरीद का जो मकबरा है वह है भी फरीदाबाद में ही है और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है तो वह है हमारा फरीदाबाद है अमर शहीदों का गाँव गांव है जो कि फरीदाबाद में है और फरीदाबाद से अठारह की क्रांति के नेता थे दानु सिंह जी ये भी आपको ध्यान रखना है अब यहाँ की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं उनके बारे में जानते हैं वो है वाई एम सी ए यानी कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसकी स्थापना 1969 में की गई थी लेकिन 2018 में इसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी रख दिया गया है और ये यहाँ ये भी ध्यान रखना आपको यहाँ पर जो सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए रिजर्वेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर सिंगल गर्ल्स चाइल्ड के लिए एक सीट रिजर्व है ये है वाई एम सी ए जिसका अभी नाम बदल कर क्या रख दिया गया है जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी इसका नाम कब बदला गया था 2018 में बदला गया था और इसकी स्थापना कब की गई थी वाई एम सी ए की इसकी स्थापना की गई थी 1969 में ये आपको ध्यान रखना है ठीक है सेकंड यूनिवर्सिटी है लिंगयाज यूनिवर्सिटी जो कि 2009 में बनी थी थर्ड यूनिवर्सिटी है मानव रचना यूनिवर्सिटी यह भी दो यह दो हजार चौदह में बनी थी और आगे है हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम फरीदाबाद में है बटन रबर टायर बाटा जूते रेफ्रिजरेटर राजदूत फैक्ट्री आदि फरीदाबाद में बनते हैं देखिए हमने जब इसके अदर नेम की बात की थी स्टार्टिंग में तो हमने बोला था इसको उद्योग नगरी कहा जाता है तो यहाँ पर ज़्यादातर उद्योग हैं वो हैं बटन के रबर टायर के बाटा जूते रेफ्रिजरेटर राजदूत फैक्ट्री आदि के यहाँ पर उद्योग है ये आपको ध्यान रखनी है और जो एन है उसकी स्थापना नाइनटीन में फरीदाबाद में की गई थी दो हजार पंद्रह में फरीदाबाद में मेट्रो आई थी और यह सेकंड डिस्टिक था ठीक है यह आपको ध्यान रखना है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हरियाणा का वह पहला डिस्टिक कौन सा था जिसमें सबसे पहले मेट्रो आई थी और वह किस सन में आई थी यह आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है देखते हैं आप में से इंटेलिजेंट बच्चा कौन है आगे है राज्य के हिसार व फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय हैं यह भी आपको ध्यान रखना है जो हिसार व फरीदाबाद है वहाँ पर पर्यावरण न्यायालय है लेकिन एक बात ध्यान रखनी है जो हिसार वाला न्यायालय है यह अब हिसार में कार्य नहीं करता है यह अब कुरुक्षेत्र में कार्य करता है यह आपको ध्यान रखना है जो हिसार वाला पर्यावरण न्यायालय है वह अब फ्री हिसार में कार्य नहीं करता है बल्कि कुरुक्षेत्र में कार्य करता है यह आपको ध्यान रखना है जो अभी नौ लोहान है इनका संबंध फरीदाबाद से है ठीक है अब हम यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ से सिर्फ एक ही नेशनल हाईवे गुजरता है वह है नेशनल हाईवे फोर्टी फोर यह आपको ध्यान रखना है और अब हम ये जानते हैं कि फरीदाबाद की सीमा कौन कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं ज़िलों के साथ लगती है तो वह लगती है दिल्ली दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है उसके साथ लगती है एक राज्य है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश उसके साथ लगती है और दो ज़िले हैं गुरुग्राम और पलवल उनके साथ लगती है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना वीडियो को अदर स्टडी ग्रुप में शेयर करना और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम से मिल सके